युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 8 फरवरी 2020 दिन शनिवार, माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि दोपहर 4:01 तक रहेगी और उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:39 से लेकर 11:07 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज सरकारी कानूनों में बदलाव से आपके व्यापार में आपको हानि हो सकती है और कंप्लायंस के चक्कर में आज बेवजह ही आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। घर में अशांति का माहौल के कारण आज स्टूडेंट्स डिस्टर्ब रहेंगे और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब भी वे पढ़ाई करने बैठेंगे किसी न किसी कारणवश वे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आज आपको आलस भी अधिक आएगा जिसके कारण आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। इसलिए आज मेरी आपको यह सलाह है कि आप प्रातः काल उठकर व्यायाम करें और फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लें जिससे आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। आज अपने ससुराल पक्ष किसी व्यक्ति की सहायता से आपके व्यापार में आपको फायदा हो सकता है। आज आपको अपने पितरों के नाम पर दूध दान करना चाहिए और भंडारा करवाना चाहिए। आज आप अंडा मीट मुर्गा शराब इत्यादि का सेवन करने से भी परहेज करें। आज कुंभ राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी राशि का जातक करके अपने घर में एक सुख और शांतिपूर्ण वातावरण बना सकता है। आज आप अशोक के 7 पत्ते लें और उन्हें गंगा जल से धोकर अपने घर के मंदिर में रख दें। जब वे पत्ते सूख जाएं, तो उन पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और दोबारा नए पत्ते ले आएं। ऐसा आप प्रत्येक शुक्रवार को करें। यदि आप इस उपाय को निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में एक सुख और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर सरोजी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? ये हमारे पेट। तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए, जय शनिदेव। जय। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।